संभालो, पार्ट्स अवेलेबल करो यार। एक इतना मेजर पार्ट भी आप नहीं रखते हो, माइनर पार्ट रखते हो। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मेरा फाइनली मास्टर सिलेंडर आ चुका है, जो कि अन्य स्टूडेंडर पीछे में फिट होता है। कि मेरा प्रॉब्लम हुआ था पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो को कोई भी अभी तक नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक कर रहा होगा, जाके जरूर देखिए। जो इजी मेथड में कैसे आपकी ब्रेक, गाड़ी में भी ऐसी ब्रेक फेल हो गए तो आप कैसे घर बैठे ही सिंपली आप खोल के डाल सकते हैं। तो ये रहा मास्टर सिलेंडर 687, आपको दिख रहा होगा 687, और मॉडल नंबर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपका एंट्री आपका एरिया में भी ऐसी नहीं मिल रहा होगा तो आप इस मॉडल नंबर से भी जाके पूछ सकते हैं शोरूम में। और ये 220-200 NS में भी फिट होता है। लास्ट एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे को कैसे मिला, क्यों यहाँ पर सप्लाई नहीं है, कैसे मैं 200 किलोमीटर जाके लाया हूँ, और मैं एंड में बताऊंगा आपको। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो, ये मास्टर सिलेंडर पुराने वाले में जो ये शाफ्ट लगा हुआ है उसको निकाल, देख पा रहे हो इस पुश रोड को निकालेंगे, उसके बाद नया रोड को फिक्स करके डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे। If you gave me your whole life, I would still have room for more, 'cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through. ये इतना मजबूत रोड है कि निकलने में आधा घंटा लग गया। उसके बाद ये एक नॉट जैसे है, इसको निकालिए, उसके बाद ये निकल गया पुराना वाला उस रोड। नया वाला में क्या है, पहले से फिक्स होके आया है, ऐसे इंस्टॉल कर देना है, फिर इसको यहाँ पर नट को फिटिंग। तो नट को खोलने टाइम 10 मिलीमीटर का वो दोनों फिट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि ये दोनों बोल्ट फुल टाइट मत मारिए, सिर्फ नॉर्मल हाथ से ही टाइट मार के छोड़ दीजिए। फुल टाइट मारोगे तो ये यहाँ से टूटने की चांसेस है। उसके बाद इसको हम लगाते हैं। अभी इसमें फिट हो चुका है, अभी बाइक में इंस्टॉल करेंगे। और इसका पंपिंग है, ब्लीडिंग प्रोसेस, और इस वीडियो में मैं बता दूंगा, और एक वीडियो में आपको पूरा के लिए बता दूंगा कि कैसे पंपिंग करते हैं इजी मेथड में बिना किसी देरी के। अभी इसको फिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले आप इस ब्रेक स्विच को फिट कीजिए इसके अंदर, उसके बाद इसमें 2 LM की 6 मिलीमीटर का जो बोल्ट, इसको फिट करेंगे, उसके बाद ये पाइप लगाएंगे और रिजर्वर वाइल लगाएंगे। इस बोल्ट को भी ज़्यादा टाइट मत कीजिए, नॉर्मल हाथों से टाइट कीजिए। नॉर्मल हाथों से टाइट करने से कभी भी आप इमरजेंसी में खोल लोगे तो जल्दी खोल जाएगा। आप ज़्यादा टॉर्क लगा कर टाइट कर इन दोनों बोल्ट को भी मीडियम टाइट कीजिए, ज़्यादा मत टाइट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये लाइन स्लिप होगा, नहीं तो ये टूट भी जाए, ज़्यादा चांसेस है। क्लॉथ पकड़िए तो अच्छा ग्रिप मिलेगा। ये हो गया, दूसरा भी आता है तो यहाँ पर लगाएंगे, और जो दो वॉशर एक बोल्ट यहाँ पर आएगा, यानी कि ये दो वॉशर बोल्ट इसको यहाँ पर लगाएंगे, 14 मिलीमीटर रेंच लेकर टाइट कर दीजिए। बस इतना ही टाइट कीजिए, ज़्यादा टाइट करोगे तो 200-200 हो जाएगा। उसके बाद ये रिजर्वर पाइप है, इसको यहाँ पर एक हुक होगा, हुक के अंदर फिटिंग कर दीजिए। हुक देख लो,
ये हुक, इसको बोलते हैं हुक, इसके अंदर फिट कर दीजिए। पहले पहले फिट कीजिए, नहीं तो इसके अंदर लगा के भी फिट कर सकते हैं। पहले इसको लगा देते हैं इसके अंदर, नहीं तो लगाने में मुश्किल होगा। इसको लगाएंगे, हो गया। उसके बाद इसके अंदर ये फिट हो गया, राइट, डन। अब इसको नीचे लाएंगे क्लिप को। पंपिंग के ऊपर एक वीडियो आएगा, उनका वीडियो आएगा जो कि पूरा ऑयल ड्रेन हो गया होगा पहले से ही, उसका मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। पूरा ऑयल ड्रेन हो गया होगा, अभी फिर से नया ऑयल इसमें डालेंगे, इस रिप्यूजर, इसको भी खोलेंगे। खोलने के बाद आपको अभी पंपिंग दिखाता हूँ। मडगढ़ हकर भी खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि क्लियरेंस कितना है मैंने जो किया था, और ब्रेक पैड कंडीशन कितना है, क्या है, वो मैं दिखाऊंगा। जैसे कि देखा आपने, मैंने अपना गाड़ी में मास्टर सिलेंडर फिट कर दिया हूँ। उसका ब्रेक ब्लीडिंग प्रोसेस अभी बाकी है, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर वाला, क्योंकि इसमें इंक्लूड करूंगा तो ज़्यादा मिनट हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसके लिए यहाँ पर इतना भी छोड़ रहा हूँ मैं। उसका मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। और हाँ गाइस, मैंने आपको बोला था एंड में एक बोलूँगा कि ये मेरे को पार्ट्स कैसे मिला। पार्ट्स मतलब मैंने बुरहानपुर में सारा जगह छान मारा कि पार्ट्स कहाँ मेरे पर मिलता है, लेकिन नहीं मिला। शोरूम में जाने से भी उन लोगों को बोला कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डर करने से आएगा, उन्होंने ऐसे बोला मेरे को। मैंने सोचा कि यहाँ पर तो नहीं है तो फिर कहाँ पर होगा। मैंने एक महीना रुका, उन्होंने बोले कि 15 दिन के बाद आएगा, ऑर्डर हमने किया है आएगा बोलने से। मैंने एक महीने रुका, एक महीने के बाद जाने के बाद ही उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर नहीं आया अभी तक। नहीं आया तो क्या करें, तो भुवनेश्वर में जा, भुवनेश्वर में जाके पूछताछ किया, तो पूछताछ किने करने के बाद भी भुवनेश्वर भी नहीं है। मतलब क्या है, गाड़ी निकल रहे हो, पार्ट्स अवेलेबल नहीं रख रहे हो, ऐसे कोई भी नहीं खुशी नहीं होगा। गाड़ी निकल रहे हो, मॉडल लॉन्च कर रहे हो, पार्ट्स भी अवेलेबल रखो। पार्ट्स अवेलेबल रखोगे तो सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स भी मिलेगा। वैसे भी मैंने भुवनेश्वर गया तो भुवनेश्वर भर में नहीं है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने क्या किया, मैंने कटक शोरूम में फ़ोन किया। कटक शोरूम में फ़ोन करने से उन्होंने बोला कि हाँ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, आप आके ले सकते हो, नहीं तो आपको फ़ोन पे में हमको बैलेंस छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, हम आपको बस में भेज देंगे। मैंने बोला कि ठीक है जी, मैं आऊँगा आपके पास से ही लूँगा। मैंने क्या किया, कटक जाके पार्ट्स लेकर आया। अभी ब्रेक पीछे का नहीं है, कितना दिन हो गया, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से मैं आगे ब्रेक का ही यूज कर रहा हूँ। मतलब क्या, गाड़ी निकल रहा हूँ, पार्ट्स नहीं है एक, और दो ऑर्डर करने। मैंने बोला कि मेरे बेसिस से ऑर्डर करो, फास्ट होगा। उन्होंने बोला कि वैसे कुछ सिस्टम नहीं है, हम ऑर्डर करेंगे तो आपका आएगा, वैसे हमको बोला। बजाज वालों, एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, गाड़ी लॉन्च करो, रेट बड़ा मना नहीं कर रहा, पार्ट्स अवेलेबल करो, ये मेजर पार्ट है। मैं फ्रंट ब्रेक में, मेरे को कितना इतना स्किल्स है कि मैं फ्रंट ब्रेक में 90 स्पीड में ब्रेक कर दूंगा, और कोई लोग नहीं कर पाएंगे। और कोई लोग डरते हैं आगे ब्रेक मारने से, उनको पीछे ब्रेक चाहिए। पीछे ब्रेक मेरा 1.5 महीने होगी नहीं है, मैं आगे ब्रेक से चला रहा हूँ, और कोई होगा तो गाड़ी बेच देगा, ऐसे मत करो। अच्छा गाड़ी निकाल रहे हो तो पार्ट्स भी निकाल, कस्टमर को खुशी रहो। नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, मैं तो ज़्यादा दीप में चला गया, छोड़ो, ये आपका बोल रहा हूँ। मतलब गाड़ी खरीद रहे तो उसका पार्ट्स अवेलेबल होना चाहिए, ये एक ही बात मैं बोल रहा हूँ। NS 200 का एक 220 का भी मिलता है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन KTM का मतलब शॉर्ट और है। KTM का एक पार्ट मिलता है तो एक पार्ट नहीं मिलता, उसको भुवनेश्वर से बुलाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इम्पोर्ट वो वगैरह वगैरह चार्जेस लगता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में कीजिए कि आपको कौन सा डाउट लगा, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा अगले वाले वीडियो में, जो ब्रेक ब्लीडिंग कैसे करते हैं प्रॉपर वाला, और कैसे एयर आउट निकलते हैं, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।
जय हिंद, वंदे मातरम. I'm a black, I'm a black, I'm a black girl for your love.